इन्होंने कंपटीशन लड़ा था इंडिया का, वो कौन सा था, मिस इंडिया वाला। कि आज पापा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पापा। बाकी भैया ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, चलो ये वाला कर दो। हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। काटो अब पापा, काटो। पापा ये लो आपके बर्थडे गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे पापा, आप क्यों मजा लिया जा रहे हैं। सो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विद ब्रांड न्यू एपिसोड। तो अभी सुबह के बजे एक ये एपिसोड शूट होना था 6 बजे, बट 1 बज गए बिकॉज यार मैं पिछला एपिसोड बना रहा था जिसमें मम्मी पापा को गिफ्ट दिया था मैंने, तो पूरी रात उसी को बनाया। देन सुबह फिर 4 बजे उठ के पोस्ट किया और वो अपना पोस्ट हुआ अराउंड 10-11 बजे पोस्ट हो गया। बड़ा टाइम लिया उसने, पता नहीं क्यों, स्पीड कम थी शायद। तो उसके बाद मैं भी जस्ट उठा हूँ, दैट्स वाई अभी पापा का शूट करना था, बट पापा घर पे नहीं है, पापा गए बाहर स्कूटी लेके चले गए, मेरे धंधों लेके चले गए अभी जम्मू के थोड़ा काम से। तो जब आते हैं फिर हैप्पी बर्थडे बोलते हैं उनको। बाकी तुम सोच रहे हो कि कैसे खड़ा है इस हाफ शर्ट बाजू में, भाई ठंडी बहुत है भाई, आग लगी पड़ी ठंडी से। तो पापा को अभी जब आएंगे तब सरप्राइज करेंगे, तब तक हम ब्रश वगैरह कर लेते, मुंह हाथ धो लेते, और आज भी पापा के लिए सरप्राइज है सही वाला। तो यार इससे पहले मैं भी यहाँ पर बर्फ का टुकड़ा बन जाऊं यार, जम जाऊ पूरा ठंड के कारण। मैं जाके फ्रेश होके आता हूँ, मुंह हाथ धो के एकदम नहा धो के कपड़े कपड़े पा के फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है, वेट करना। मम्मी आज पापा का बर्थडे है, तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लगता है? बाकी न्यू वीडियो देखी आपने? लेटी देख रहे हैं, बोला किसी बनी है। ये है हमारी ताई जी, बट कैमरे के सामने नहीं आती, इनको बड़ी शर्म शुरू आती है। देखो बड़े मॉडल है पता आपको, कैटरीना कैफ को टक्कर देते हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, स्क्रीन चेक कर लेना भाई। इन्होंने कंपटीशन लड़ा था इंडिया का, वो कौन सा था, मिस इंडिया वाला। कैटरीना कैफ आ रही थी उसमें, ये जीते थे। क्या बोला तूने? बाकी ये हाल देख रहे हो, आज सुबह धूप निकली बट आज तो धमाकेदार बादल है बादल। बाकी यार पापा ने पता नहीं कब आना है, अभी पापा गिफ्ट भी लेने जाना है मेरे को बाजार में, गिफ्ट पैक कराना पापा का, फिर लाना है फिर देना है। और बाकी फ्रेश में अभी भी नहीं हुआ, अभी होने जा रहा हूँ तो आता हूँ मैं, ठीक है, मिलते हैं फिर। हेलो गाइस, फुलके तत्ते कर लो, फुलके तत्ते कर लो। एक्चुअली घर पे सबने खाना खा लिया, बस मैं ही रह गया हूँ और मैं अपने फुलके खोती तत्ते कर रहा हूँ, खा लो तत्ते फुलके। बाकी लोगों के घर में हीटर होते हैं, चूल्हे होते हैं, इतना सब होता है, और हमारे घर में जरा देखो क्या होता है। हमारे घर में ये करोटा है जिसमें लोग सीमेंट सूमेंट पाते हैं, उसी में आग लगा दी है भाई, देसी जुगाड़ है ये, देसी लोग। #pengdu। सो गाइस फाइनली पापा आ गए, हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे पापा, मे गॉड यू ब्लेस यू। मेरी उम्र भी ले लो, करो ब्लूटूथ ऑन, ले लो मेरी उम्र भी। तो पापा आज आपका बर्थडे है, आप कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? 47। बस मैं बड़ा लग रहा हूँ बट बंद कर। सो मम्मी आज आपके पति का बर्थडे है, तो कैसा लग रहा है आपको? आपका क्यों नहीं है बर्थडे? ये लग रहा मेरी कुड़ी होती है। आहो, आपका बर्थडे क्यों नहीं है? मम्मी का बर्थडे भी आएगा, बाद में भी सेलिब्रेट करेंगे। बाकी आज पापा का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे पापा। कब आपका बर्थडे? मार्च में। फाइनली यार मम्मी पापा तो आ ही गए, तो अब चलो चाय पा के देते हैं इनको चाय। आज पापा का बर्थडे तो काम नहीं करूंगा आज। तो यहाँ पर चाय बना दी मैंने और मम्मी के लिए पापा के लिए चाय पा के दे रहा हूँ। एक्चुअली मम्मी को शुगर है, तो मम्मी के लिए बिना शुगर वाली चाय डालनी है, और पापा को मीठा पसंद है तो पापा को थोड़ा मीठा वाला डालेंगे। तो चलो चाय देते हैं इनको। चलो पापा बर्थडे ट्रीट मेरी तरफ से, चाय बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से। थैंक यू। कि पता नहीं चाय को कैसी लगेगी। बाकी पापा चाय कैसी बनी है? अच्छी बनी बेटा, बहुत अच्छी। मम्मी ने बनाई है, मेरी नहीं है, मम्मी की चाय। बाकी ये लोग तो चलो चाय पी रहे हैं और हम एप्पल खा लेते हैं। फ्रूट इज गुड फॉर हेल्थ। यार इनका बर्थडे तो इन्होंने सारा काम लगता है मेरे से करवाना, सारा फायदा उठा रहे हैं, चार भी मुझसे मंगा रहे हैं। ये लो खाओ चार, पूरा डब्बा खाली कर दो। तो अभी पापा का बर्थडे भी प्लान करना है, पूरा सरप्राइज वगैरह सब कुछ, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा सिटी, अपने अखनूर सिटी में, तो गिफ्ट मिलना और साथ में अगेन गिफ्ट, देखो अगेन गिफ्ट,
और साथ में थोड़ा बर्थडे वगैरह जितना भी सेलिब्रेशन है वो सारा प्लान करना है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो लंबी ना करते हुए चलते हैं फिर बाजार में और देख लो फिर क्या लेते हैं। फ्राई मोमो एक स्टीम और डेढ़ प्लेट स्प्रिंग रोल। एक फ्राई, एक स्टीम, डेढ़। नहीं नहीं, दो फ्राई खाना, एक स्टीम और डेढ़ प्लेट स्प्रिंग रोल। चलो यहाँ का ऑर्डर तो दे दिया, अब चलते हैं पापा का गिफ्ट पैक कराते हैं। तो चलो फिर डबल एक्सएल वाली जैकेट है, डबल एक्सएल साइज की, तो ब्लैक में दिखाना भाई। कितने का भैया? यार पापा के लिए भी कार्गो और जैकेट ली है, बड़ी महंगी है। लेस करके दिया वैसे भैया ने, वो तो ठीक है, बट आप उन बजट केबल कहाँ से लगाए। बाकी भैया ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया, तो वेलकम भैया हमारी फैमिली में। बाकी अंकल ने लेस करके दे दिया है ठीक ठाक रेंज में, तो अभी चलते। अगर आपको भी लेना तो भाई आ जाना अखनूर पे, ये शॉप अपने बस अड्डे पे। ये रही बाइक की शॉप इस तरफ, और लेना तो भाई आ जाना अपने अखनूर मार्केट के अंदर ही है जहाँ पर बस स्टैंड होता है। चलो ये वाला कर दो, ये वाला कर दो, ये तो मुझे उठाई गया था अभी। बाकी पापा ने तो कभी अपने से कुछ ड्रेस नहीं लिया, आज चलो बहाने के हिसाब से मैं दे देता हूँ, नहीं तो वो ऐसे ही है कि जैकेट में पूरा पूरा साल भी निकाल देते थे। तो आज सोचा कि आज चलो बहाने के पीछे मेरे पास पैसे हैं, तो मैं मम्मी पापा का आज बर्थडे भी है तो आज पापा के लिए गिफ्ट ही कर देता हूँ। अब पता नहीं मुझे गालियाँ पड़ेगी कि इतने पैसे क्यों खर्चे, बट क्या करें, खर्चे बढ़ते हैं कभी कभी। बट पापा ने हर दिवाली हर बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दिया, पर इस बार चलो मैं दे देता हूँ। पापा की खुशी से बढ़कर तो कोई खुशी है नहीं वैसे मेरी। बाकी पापा के गिफ्ट तो पैक हो ही गए, आज तो पापा एकदम बिंदास खुश हो जाएंगे, पर गालियाँ बहुत पड़ेगी। अरे यार ये तो उसमें आ ही नहीं रहा, कैसे लाओ इसको, ये तो जा ही नहीं रहा अंदर इतना। बाकी अब इसको अंदर रख के आते हैं, फिर बाकी केक वगैरह ले जाते हैं यहाँ से। अरे बाबा बंद हो जा, ये तो आया नहीं, इसको मैं जैकेट के अंदर ही डाल लूँगा अब। हो गया बंद, तो चलो आज पापा का पार्टी का सामान भी पैक हो गया, तो चलते हैं वे टू होम। बाकी यार आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, पक्का गालियाँ पड़ेगी यार। अगर पापा सुबह नहीं जाते ना जीवल जम्मू वाली साइड, तो फिर मैं यार सुबह ही सारा कुछ अरेंज कर लेता, बट शाम के समय लेट करा दिया पापा ने। अब देखते हैं कितनी गालियाँ पड़ेगी, माँ अंधेरा हो गया। हेलो पापा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, क्या हालचाल। वाह पापा ने देखो बाल भी कलर करा लिया, वाह 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 वाह, सही है। आज आपका बर्थडे है ना, कुछ बताता है नहीं, सरप्राइज बिना बताए थोड़ी होते हैं। ये लो पकड़ो पापा, पापा अरे मेरे को बाहर ही छोड़ दिया, इसको तो पकड़ो, हैप्पी बर्थडे। फड़ो फड़ो, आपका बर्थडे है ना, मैं घूमी घूमी करने गया था, बाकी डिक्की में भी सामान पड़ा लेके आओ, जल्दी जाओ ना। अरे जाओ ना, आप क्या कर रहे हो, बाल कलर करा के सोने गबरू जवान, माय रिटायर ऑफिसर। पापा क्या हुआ ये क्या? पापा कैसा लगा आज वापस, आज वापस आपकी तो किस्मत खुल रही है, कल भी और आज भी। क्या बात है, पापा तो बिंदास सरप्राइज होने वाले हैं, खोल के देखेंगे तो क्या चीज है इसके अंदर। आप तो गुस्सा कर रहे हो, आपका बर्थडे आया अभी, आया बर्थडे। मम्मी को आग लगी, उसको इतने सारे गिफ्ट मिल रहे, मेरे को नहीं मिल रहे। आगा मम्मी को आग लगी। कोई ना मम्मा, आपको मिलेगा, आपका बर्थडे भी आएगा मम्मी, कोई चक्कर नहीं, मिलेगा। पापा आज आपका बर्थडे, ऐसे में यार केक को काटो यार, क्या बात कर रहे हो, तैयार शहर होके आयो, खुशी देख रहे हो, एक ये क्या
ये क्या है? अरे ये क्या पापा, खोलो तो सही। ये क्या दूसरा? ये क्या पापा? आ तो सिर पे पूरे का पूरा भर जाएगा ये। बैठो फिर सारे बैठो, शुरू करते हैं। पहले फुलाते हैं पापा के लिए फलूस। फलूस निकालना बाहर। ये क्या कर रहे हो? बाकी पापा का ये फलूस तैयार हो गया यहाँ पर बर्थडे वाला। और बाकी पापा फिर शुरू हो जाओ। बाकी ये रहा केक पापा का। हैप्पी बर्थडे पापा। कितना सही लग रहा ना ये। बाकी पापा अच्छा लग रहा है? केक अच्छा लगा? तब भाई पापा तो बड़े खुश लग रहे हैं। बैठो फिर अपने आसन पे, आज बर्थडे है आपका। मम्मी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे पापा। और फिर बुझाओ फूक फाक मारो। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो पूछेगी नहीं, ये पापा जल जाएगी। मम्मी पापा जल गई। मैजिक कैंडल्स काटो अब पापा काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा अभी लद्दाख राइड भी करनी है, ठीक है ना? अभी बुलेट भी सिखाना अभी आपको, ठीक है पापा? यू नो फ्यूचर में अभी पापा और मैंने लद्दाख राइड भी करनी काफी देर से सोचा हुआ है, तो आती है फ्यूचर में। तब तक ये देखो पापा आप भी खाओ ना। मेरी उंगल पे टक मारता पापा, कुछ तो कमी लगी रही है। ठेंग ठेंगा, इतना सब बर्थडे तो पापा क्या करोगे? आप बोलो ना हैप्पी बर्थडे अच्छा वाला। थैंक यू पापा। अगर आप मेरे दोस्त सर्कल में होते ना तो ये तो हैप्पी होता फिर। चलो कि यार मम्मा को नहीं लगाया, अगर मम्मा को लगाता ना तो नॉकआउट पंच ही पड़ता। जरूरी है कि अपनी मौत को खुद दावत दो। बाकी टाइम टू गिफ्ट, तो पापा के लिए पहला गिफ्ट तो फिट भी नहीं हो रहा था। पापा जरा इसको खोलो, पहले गिफ्ट में क्या है आपके लिए। सेकंड डे सेकंड गिफ्ट पापा, ये स्पेशली आपके लिए है, अंकल ने भेजा है अपने दुकानदार वाले में। पापा के सेंटा क्लॉस लग रहे हो, नाक पे कितना मस्त लगा हुआ है। बाकी ये दूसरा गिफ्ट एक और ताई जी की तरफ से। बाकी मम्मी इनका मुंह थोड़ी मारना है, इसमें तो कुछ था ही नहीं यार, ये तो रह गया था। मम्मी आराम से, अरे आराम से, पकड़ा ही नहीं आपसे। 3, 2, 1, 4। अरे ऐसा तो नीचे से दबाओ ना, जोर से कर दबा के। तो रुको मैं फाड़ता हूँ यार, तो फटा हुआ निकला ये देखो। कोई बात नहीं, पैक पैक ऊपर से गाना लगा ही दिया। ये लो ये भी लो, ये तो खराब निकला यार, ये तो फटा ही नहीं। 70 रुपए बर्बाद हो गए क्या? हम क्या बोले यार, हमारी बड़ी फटता ही नहीं कुछ। कैसा लगा आज 47 ईयर के हो गए, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा बेटा, छोटा सा बर्थडे किया इस बार, सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। माँ के अभी गिफ्ट भी खोलेंगे तो वो भी देखना कैसा लगा पापा को। कोई ना लद्दाख राइड भी करनी है अभी, करेंगे ठीक है फिर। नहीं सारे तो बैठ गए हैं, गिफ्ट नहीं खोलने। Mom. चलो गाइस गिफ्ट टाइम, गिफ्ट खोलते हैं। अरे बाप कितने भारी गिफ्ट है पापा, ये लो आपके बर्थडे गिफ्ट। आई थिंक 10 साल के बाद पहली बार किसी ने दिए पापा, ये आपके बर्थडे गिफ्ट है, उनको तो आएगी भी नहीं। कहां से हम लेंगे पापा, बताओ इनके अंदर क्या होगा? मैं
फिर भी बताओ तो क्या होगा इसके अंदर। कल से हम लोगों ने वीडियो शूट की है ना, और उसमें एक वर्ड काफी ज्यादा घर में बोला जा रहा है, सिनेमैटिक। पापा ने सुबह खाना खाना है भाई, चलो खान का सिनेमैटिक ले लेते हैं। पापा ने झाड़ू लगाना, चलो झाड़ू का सिनेमैटिक ले लेते हैं। पापा ने सिनेमैटिक 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 कुछ भी। ये देखो पहला गिफ्ट खुल चुका है पापा, क्या होगा इसके अंदर? सिनेमैटिक नहीं, कुछ और होगा पापा इसके अंदर। मम्मी आज तो बड़े प्यार से खोला, देखो आपको पता नहीं पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा, बता दो। कमर पापा ये आपके लिए कार्गो पैंट है, आपको चाहिए थी ना। कैसी लगी? कमर की नहीं 36 तबाही है ये। तो पापा कैसी लगी आपको पैंट? वेरी नाइस ओ माय गॉड, इंग्लिश पापा सही कर रहे हैं। पहले दूसरा खोलो, फिर सिनेमैटिक बनाते पापा का। अच्छी लगी पापा आपको? वो सिनेमैटिक इसके बहुत अच्छा लगेगा। मेरे को ना गालियां दोगे कि यार इतना सामान क्यों लेके आ गए, ये क्यों लेके आ गए, पर अच्छा लगा ना आपको? देखो भाई तबाही है ना एकदम, तबाही बुरी तरह से। कल तो इतनी बुरी तरह से खोला था, आज इतने प्यार से, क्या बात है। पापा का गिफ्ट है ये। पिछकल तो आपने पापा का गिफ्ट तो ऐसे फाड़ा था जैसे कि पता नहीं क्या चीज है। बाकी पापा उसमें तो देखो पहले, उसमें क्या चीज है, क्या पापा इसके अंदर? देखो ये लो पापा, सबसे पहले आपकी टोपी, आपके पास एक ही टोपी थी और बार बार नीचे आ जा रही थी, तो मैं नई टोपी लेके आ गया। देखो अच्छी लगी। बाकी ये सामने आ गई जैकेट, कैसी लगी? ये मेरी पसंद। सुनो यार कैसा लगा ये वाला कलर? इसको पहन के अभी पहन के देखूंगा इसको। तो गाइस पापा पहन रहे हैं, बाकी देखो आप सिनेमैटिक्स पापा के भी देखोगे। जैकेट और पजामा सिनेमैटिक, 150 फुल सिनेमैटिक, ब्यूटीफुल सिनेमैटिक, सिनेमैटिक बड़े सही आए। बाकी यार सीरियसली बोलूं तो पापा सेकंड डे सेकंड थर्ड गिफ्ट हैनी ठीक लग रही हो फिर? ओके एक्चुअली मम्मी को नहीं मिला गिफ्ट आज। मम्मी कैसा लग रहा है गिफ्ट नहीं मिला? कैसा लग रहा है बेचारे? कोई बात नहीं, आपको बर्थडे भी आएगा। बाकी आपको पता है आपके जो पापा वो आपके लिए पूरे साल मेहनत करते हैं, पूरे साल बस आपके लिए गिफ्ट खिलाते हैं कुछ भी, और वो दिवाली पे एक ही जैकेट पहन के रखे तो कैसा फील होता है आपको पता नहीं। बेटा पापा बना बच्चों के लिए, बच्चे खुश पापा खुश। कोई ना बट एक्चुअली पता क्या, मैंने पापा को देखा, पापा एक ही पजामे में काम भी कर रहे, उसी पजामे में बाहर सामान लेने जा रहे सब कुछ, तो अरे मैंने सोचा चलो बर्थडे आ रहा तो गिफ्ट वगैरह नया देते हैं, पापा तो हर बार देते हैं, इस बार हमने भी कर दी। अच्छी लगी चॉइस। अगली बार मेरा कपड़ा आप ही लोगे। ओके एकदम 100%। मेरा काम है आपके अकाउंट में पैसा डालना, आपका काम आगे काम। कोई ना, बाकी हम फ्यूचर में अपनी कमाई भी कमाएंगे तो सब्सक्राइब कर देना। अरे मैं हूँ ना बेटा, तो ऐश कर के भी मैं भी बुलाऊंगा ना, मेरे को खुद भी कमाने हैं। बाकी यार पापा यार एक ही जैकेट और एक ही पजामे में सारा काम निकाल देते तो मेरे को सही नहीं लगता था, दैट्स व्हाई मैंने सेविंग कर करके पापा के लिए जैकेट ला दी, काफी सही फिट हुई है और शुक्र इनको पसंद आ गई। मेरे को लगा गालियां पड़ेगी क्यों क्यों लाया क्यों नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, शुक्र है पसंद आ गई, बच गया मैं। तो यार मैंने तो अपने फैमिली के लिए गिफ्ट कर दिया, आपके पापा भी अब इतना एफर्ट करते हैं आप सबके लिए दिवाली पे, सब कुछ आपको खुश रखते, तो एक आपका भी एफर्ट बनता है कि यार अपने घर वालों को एक खुशी दे दो। आपके पास मदर डे आता है, फादर डे आता है, उनका बर्थडे आता है, उनमें से अगर एक बार भी दे दोगे पूरे साल का अपने सेविंग से, तो यार उनकी खुशी कते हाई लेवल की होती है। कोई ना यार मैं जड़ा मर्जी पैड़ो, मी को चिंता नहीं है। मैं जड़ा मर्जी पैड़ो,
So, चलो गाइस पापा का बर्थडे हो गया एंड 47th बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे अगेन। बाकी आप 100 तक टच करोगे तो यार तुम सबको नहीं पता हम लद्दाख का प्लान कर रहे हैं, बट फ्यूचर में धीरे 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 करके जब हमारा 1 लाख होगा तो पापा और मैं लद्दाख जाएंगे। तो वो फर्स्ट एपिसोड होगा, सेकंड एपिसोड तो 1 मिलियन पे होगा। अभी 300 कुछ है तो 1 लाख कैसे हम टारगेट कर रहे हैं, अभी 1 लाख होने में तो काफी टाइम है। बाकी तुम कर दो फिर लद्दाख, फिर हम चलो गाइस वीडियो करते हैं। प्रियंक आप बताना आप सबको कौन सा पार्ट सबसे सही लगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी क्यूट बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक शेयर कमेंट कर दो और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बांट दो और अपने देख लो अपने टब्बर के साथ। बाकी एंजॉय करो और थर्ड लेयर आ रही है, घर पे रहो और मास्क पहन मतलब घर से बाहर निकल दो। बाय बाय, मिलते हैं अंदर ब्लॉग के साथ, तब तक लिए एंड सर्दी बहुत ज्यादा है, अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, रजाई में घुसे रहिए, हीटर ऑन करके रखिए, सर्दी बहुत ज्यादा है, बच के रहिए, सर्दी से बच के रहिए, ये खत्म नहीं होता अगर मैं आज नहीं करता।